गाइस, क्या आप जानना चाहते हैं कि ये नया साल जो आने वाला है, या आप हो सकता है कि आप नए साल में इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका ये विचार हो सकता है कि ओ माय गॉड, मेरे लिए नया साल क्या लेकर आ रहा है। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे कैसे आपके लाइफ के अलग अलग क्षेत्र रहने वाले हैं। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, आपके जो रिलेशन है स्पाउस के साथ, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, आपका करियर कैसा होने वाला है, आपकी स्पिरिचुअलिटी कैसी होने वाली है, उस सब के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ओके, ताकि आप पूरे वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाए। कोशिश कीजिए कि अगर नोट्स लेना जरूरी लगे वहां पर आप नोट्स भी ले लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका हेल्थ, आपकी सेहत कैसे रहने वाली है इस साल। तो जब भी सेहत की बारी आती है, या दिस दिस इज नॉट अ गुड कार्ड, ओके, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये कार्ड कहता है सबसे पहले कि सेहत जो है, आपकी हेल्थ जो है, वो बहुत ज्यादा डेलिकेट, बहुत ज्यादा नाजुक रह सकती है इस साल। तो मान लो कि आप अगर बीमार नहीं पड़े हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्थ को इग्नोर करते रहें, ओके। ऐसा अगर आप नॉर्मल भी है, अगर आप बीमार बीमार नहीं है, फिर भी आपको हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको डरना है, ओ माय गॉड पता नहीं क्या हो जाएगा। आधे लोग तो डर डर के ही पता नहीं बीमार पड़ते हैं, तो डरना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है, अच्छी तरह से सुनिए। आपको हेल्थ के लिए, आपको पता है कि आपकी सेहत कब बहुत अच्छी रहती है, क्या करने से आप बीमार पड़ते हैं, क्या करने से आप मतलब अस्वस्थ महसूस करते हैं, ये आपको पता है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि जिससे आपको अस्वस्थ महसूस हो। ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना है कि जिसको खाने के बाद आपको कुछ अच्छा ना लगे। सबको पता है, राइट? सबका कोई ना कोई ऐसा खाना होता है, हर एक इंसान की कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होती है कि जो करने के बाद उसको लगता है यार पक्का कल तो पक्का कुछ ना कुछ होगा, ओके। तो ऐसा नहीं करना है, ओके। तो वो आपको ये कार्ड दिखा रहा है। दूसरी बात, ये कार्ड एक और बात बताता है कि इस साल काफी बार आपको हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और प्रॉब्लम्स की वजह से आपको डॉक्टर की मदद, डॉक्टर की सलाह, हेल्थ प्रैक्टिशनर की सलाह लेना आवश्यक हो सकता है। तो जब भी मदद की जरूरत पड़े, जरूर आपको पास जान उनको डॉक्टर के पास जाना है, उनका कंसल्टेशन लेना है, ओके। तो यस, बिकॉज इस साल आप हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं जरा भी, ओके। चलिए देखते हैं आपके वेल्थ, आपके मनी एरिया में क्या हो रहा है, पैसे कैसे होने वाले हैं। तो पैसों की बात हो रही है, तो यहां पर ये दो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ख्याल है? तो यहां पर काफी ज्यादा बातें ध्यान में लेना जरूरी है। सबसे पहले कि आपको ऐसे व्यक्ति के साथ आपको फ्रेंडशिप रखनी है, रिलेशन बनाना है कि जिसे पैसे बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है, ओके, जिसे पैसे बचाना अच्छे से आता है, जो पैसे अपने बहुत अच्छे से बचाता है, मैनेज करते हैं, सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ओके। अब ये नहीं कि आपको मतलब से जाना है, ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो अगर आप उनके साथ, अगर आप काफी फ्रेंडशिप अगर उनकी है, आपके आपकी आपकी फ्रेंडशिप उनके साथ है, ओके, तो आप उनसे काफी ज्यादा चीजें सीख सकते हैं, ओके। ऐसी तो फ्रेंडशिप बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए कि जो मतलब ही हो कि भाई आपको ये बहुत अच्छे से आती है, चलो आकर हम सीखते हैं। फ्रेंडशिप आपके जो फ्रेंड सर्कल ऑलरेडी है, उनमें किसी में ये नॉलेज जरूर है कि जिनके पास जाकर आपको नॉलेज ले सकते हैं, लेना पड़ेगा, ओके, नॉट ले सकते हैं, लेना पड़ेगा। दूसरी बात, हेल्थ का, आपका जो वेल्थ, आपकी लाइफ में जो पैसे का एरिया है इस साल, काफी ज्यादा जुड़ा है आपके रिलेशनशिप के साथ। रिलेशनशिप के साथ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी लाइफ पार्टनर के साथ, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, उनके साथ काफी ज्यादा आपका रिलेशन जुड़ा है आपका पैसों से और आपके पार्टनर से। वो कैसे?
तो आपके पार्टनर के साथ डेफिनेटली आपका इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन की वजह से हो सकता है आप पैसे कुछ ज्यादा बर्बाद कर दें उनके पीछे, या फिर जहां जहां पर पैसे उनको उनके ऊपर खर्च करने हैं वहां पर आप ना खर्चें, ओके? ये हो सकता है, तो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा इमोशंस में बहना जाएं। पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया है तो गुस्से में आकर भी ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी है, ओके? बिकॉज पैसे आपके हैं, सेविंग भी आपको ही करना है, इन्वेस्ट भी आप ही को करना है, ओके? तो इसका जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में आपके परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ कैसा रिश्ता आपका होना चाहिए या फिर कैसा रहेगा इस साल, तो उसके बारे में ये कार्ड बता रहा है कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, ओके? रिलेशनशिप के बारे में, कौन सा रिश्ता रखना है, कहाँ पर ढील छोड़नी है, कहाँ पर ढील नहीं छोड़नी है, उसके बारे में काफी ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ओके? और उसी के साथ साथ आपको ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा व्यक्ति आपका वेल विशर है और कौन सा आपका वेल विशर नहीं है। ये काफी ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके? या एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन ये एक चीज है, तो आपको केयरफुल रहना है कि आप इतना ज्यादा समय ना ले ले कुछ भी डिसाइड करने में, खास करके जब रिश्तों की बात बात आती है तब, ओके? अब रिश्तों की जब बात आती है तो आपको बता दूं कि दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर एक इंसान के साथ रिश्ता बनाएं, लेकिन इस साल रिलेशनशिप के लिए खास आप देखेंगे कि जिनके ऊपर आप जिनके साथ आपको लगता था कि आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, इनके साथ शायद आपका इस साल कुछ पता नहीं, आपको लग सकता है कि कुछ जम नहीं रहा है या फिर कुछ अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है। और जिनके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं था, कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं था, उनके साथ कनेक्शन बेहतर बन सकता है, ओके? तो ये कुछ ऐसी बातें हो सकती है, आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में ये रखना है कि आप कोई भी डिसीजन लेते समय, ओके, रिश्तों में, स्पेशली रिश्तों में जब भी कोई डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, वहां पे आप ज्यादा समय बर्बाद ना करें, बस उस उलझन की वजह से कि भाई ये मेरा शुभचिंतक है या नहीं, ये शुभचिंतक है या नहीं, ये दोनों शुभचिंतक है तो इनमें से किन के साथ हम जाएं, तो इसको लेकर ज्यादा केयरफुल रहे, ज्यादा समय बर्बाद ना होने दे, बिकॉज आपको लग सकता है कि नहीं नहीं भाई, अब तो ये दोनों अच्छे हैं तो हम क्या करें। ये साल में 365 दिन है, हर एक इंसान को उतना ही टाइम मिलता है इस साल में, तो आपकी मर्जी है आप कितना समय बर्बाद करना चाहते हैं और कितना समय एक्चुअल में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ओके? तो ज्यादा निर्णय लेने के पीछे समय बर्बाद नहीं करना है, ओके? उसके बाद देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, आपका रिलेशनशिप, आपका पार्टनर, स्पाउस, उनके साथ आपका क्या रिश्ता कैसा होने वाला है, ओके? तो ये बंदा कह रहा है कि हाँ, पहले तो लव लाइफ में आपको बहुत ज्यादा ओवरली मैच्योर आपको नहीं बिहेव करना है, ओके? इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बच्चे की तरह बिहेव करो और इररेस्पॉन्सिबल हो जाओ, ओके? गैर जिम्मेदार नहीं होना है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो जो पल है आपके और आपके पार्टनर के साथ वो हल्के फुल्के रहे, उस तरह का बिहेवियर करना है आपको, ज्यादा मतलब बुजुर्ग इंसान की तरह बिहेव नहीं करना है, ओके? वो पहली बात है। दूसरी बात है कि पार्टनर के साथ, यस, आप में से जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनको पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में ज्यादा आप दोनों के बीच में पैशन ज्यादा बढ़े, दोनों के बीच में पैशन, दोनों के बीच में वॉर्म्थ ज्यादा बढ़े, ऐसा आपको कुछ करना है और आपके लिए ऐसे फुल चांसेस है इस साल, ओके? तो ये है। और अगर आप सिंगल है तो आप क्या करेंगे? सिंगल है तो आपके लिए ज्यादा चांसेस है कि आप, यस, काफी लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होकर आ सकते हैं, ओके? आप बिल्कुल रेडी है रिलेशनशिप में उतरने के लिए। कोशिश कीजिए कि किसी के भी साथ जब आप घुलना मिलना शुरू करें तो वहां पर आप अच्छे से लोगों के साथ घुल मिलकर बात करें, जहां पर आपको आपकी ड्रीम्स मैच होते हैं, आपकी गोल्स मैच होते हैं, लाइफ का पर्पस मैच होता है, ऐसे व्यक्ति को ज्यादा चुने, ओके? बिकॉज ऐसे व्यक्ति के साथ आप ज्यादा समय के लिए
ज्यादा लंबे समय के लिए आपका रिलेशनशिप रहे ऐसे चांसेस है. ओके, तो अगर इस साल अगर आपको पार्टनर ढूंढना है तो इट इज डेफिनेटली समथिंग जिसके साथ आपका पैशन कनेक्ट होता है. ओके, फिर करियर में, करियर में क्या क्या है, क्या चल रहा है, पर्पस कैसा है, क्या चल रहा है. तो पहले तो ये देखो करियर के लिए है कि अगर आप, अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसर है, तो ये कार्ड बता रहा है कि कोई कुछ नया डेजिग्नेशन, यू नो, कोई नया डेजिग्नेशन, कोई नया ओहदा आपको दिया जा सकता है. और ये प्रमोशन की बात नहीं है. ओके, आई नो कि मैंने डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन ओहदा मैंने कहा, लेकिन ये एक नई जिम्मेदारी हो सकती है कि जो आपको दी जा सकती है, यू नो. और जॉब और काम करने की बारी जब आती है तब लोग, अरे अरे नई जिम्मेदारी नहीं चाहिए. अरे भाई एंजॉय करो अपने काम को, बिकॉज जिस बात में आपको आपको मजा आता है, जो काम करने से आप एंजॉय करते हैं, वैसा कोई काम आपको दिया जाने वाला है. सो यस, दैट इज एक्चुअली गुड थिंग फॉर यू. ओके, और आप में से जितने लोग जिनके पास जॉब नहीं है, ओके, तो जॉब अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ही अच्छी नई जॉब मिल सकती है. अब यू नो किसी को भी जॉब चाहिए तो सभी लोग यूजुअली कहते हैं अच्छा अच्छा बहुत बड़ी सैलरी, मतलब बहुत ज्यादा सैलरी मिले ऐसी जॉब. देखो जॉब में सबसे पहले आपको आनंद आना चाहिए, काम करने का मजा आना चाहिए, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी तो भी आप खुश रहेंगे. लेकिन जिस काम में आपको आनंद नहीं आता है, मजा नहीं आता है, अगर उसमें आपको लाखों रुपए भी मिल जाए, एक पॉइंट आएगा कि जब आप उस जॉब से उब जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद वहां से निकलने का कोई तरीका नहीं होगा, रास्ता नहीं होगा. ओके, तो ये एक बात ध्यान में रखिए, ऐसा जॉब आपको मिलेगा कि जो आपको करना बहुत पसंद है, जो काम करना पसंद है, सैलरी शायद कम भी हो सकती है, लेकिन उस काम को आपको एक्सेप्ट करना है, बिकॉज यस आपको वो चीज करना अच्छा लगता है. ओके, तो ये एक चीज है. उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं. अब स्पिरिचुअल लाइफ में पता नहीं इस साल क्या है, बिकॉज पहले इसके इसके आगे के जो चार साइंस है उसमें भी ये कार्ड आया था. ओके, तो somehow दिखा रहा है कि यू नो इस साल एनर्जी काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है स्पिरिचुअल मामले में, बिकॉज काफी ज्यादा लोगों को अनक्लैरिटी है, आपको घुटन सी महसूस हो सकती है, बंधा बंधा सा फील हो सकता है, और बंधा बंधा सा फील हो सकता है जैसे आप कहीं पर फ्रीली नहीं जा सकते हैं, आपको किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा आपको फील हो सकता है. हमारे जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है, ओके, हमारे जो वर्तमान के जो हालात है उसकी वजह से भी हो सकता है. ओके, लेकिन एक बात याद रखिए, यू नो लाइफ में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो आपने सुनी होगी कि सबसे सबसे ज्यादा अंधकार सूर्योदय से कुछ ही देर पहले होता है. ओके, तो वो अंधकार आप ये देख सकते हैं, यू नो कि वो अंधकार यहां पर आप देख सकते हैं. तो भले आपको शायद काफी ज्यादा अंधकार भरा आपका स्पिरिचुअल लेवल लगे इस साल, लेकिन यू नो डेफिनेटली कुछ अलग एनर्जी प्रिपेयर हो रही है. ऐसा हम मानते हैं कि यू नो कि इस दुनिया में इतना ज्यादा हाई लेवल की एनर्जीज काम कर रही है कि जहां पर आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ जाए कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है. ओके, तो इसीलिए ये इस थोड़ा सा कंफ्यूजन बिगिनिंग में हो सकता है. ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए. ओके, एंड ओवरऑल आपका साल भर का रीडिंग हमने देख लिया. और जी हाँ, तो यही तक था ये रीडिंग. मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा. ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, और यस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए. ओके, ताकि सबको ये अच्छी बातें पता लग पाए, सबको पता लग पाए कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, साल में क्या करना चाहिए क्या नहीं. ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से. तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए. उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए.